निकल चला है कारवा अपना संदेश बताने को, तूफानों से भी टकराएंगे ये अब अपना हक पाने को। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कटंगी खैरान जी विधानसभा क्षेत्र के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए हमारी पूरी टीम के द्वारा सद्भावना पद यात्रा 2 जनवरी 2023 से प्रारंभ की जा रही है, जो कि संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के लगभग 140 गांव 80% विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी, जिसका हर गांव में जाकर के लोगों की समस्या उनसे मिलना, भाईचारा स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका समापन 20 जनवरी को कटंगी के हॉस्पिटल ग्राउंड में किया जाएगा। इसमें मैं समस्त क्षेत्रवासी और जिलेवासी से अपील करता हूँ, क्योंकि ये सद्भावना यात्रा है और एक तिरंगा यात्रा है, इसमें अधिक से अधिक आप सभी लोग शामिल हो, माताएं बहनें छोटे प्यारे बच्चे सभी लोग इस यात्रा में शामिल हो और एक प्यारा सा संदेश हम अपने क्षेत्रवासियों को, अपने जिलेवासियों को, अपने देशवासियों को दें। मैं ऐसी आप सभी से अपेक्षाएं करता हूँ। कोरोना काल के लिए तो मैं चाहूँगा कि अभी तो हमारे बालाघाट जिले में ऐसा कोई ये प्रभाव नहीं है कोरोना काल का, जब भी कोई आती है तो उसमें जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसका निश्चित ही पालन किया जाएगा। पूर्व में जो कोरोना का जो समय बीता है उसमें आपने क्या भूमिकाएं निभाई थी और किस तरह से लोगों की मदद की थी? पूर्व में जो कोरोना का समय बीता बहुत कठिन बीता, उस समय कटंगी क्षेत्र में या बालाघाट जिले में सबसे पहले जो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड मैंने ही किया था जिस क्षेत्र में, साथ ही साथ राशन का वितरण हमारी पूरी टीम के द्वारा सबने मिल करके गाँव गाँव जा करके गरीब बच्चों को उनको राशन वितरण किया है, और जहाँ जब भी जिसकी मदद की जरूरत पड़ी तो हम और हमारी पूरी टीम निरंतर सेवा में लगे। सद्भावना यात्रा की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सद्भावना यात्रा की प्रेरणा राहुल गांधी जी से मिली, और उनका एक डायलॉग है, डरो मत आगे बढ़ो। ये जो यात्रा निकाली जा रही सद्भावना यात्रा प्रसाद मेसराम जी से, वो बीजेपी के एजेंट है, इस बात का मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट नहीं है, वो समाज सेवी है, उनकी कोई पार्टी नहीं है। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर समुदाय के लोगों को उन लोगों ने सेवा करनी है, वो ऐसा उनका संकल्प है। और जब हम तिरंगे के अंतर्गत अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, कोई पार्टी विशेष का झंडा नहीं है, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना बीएसपी का, ना कोई पार्टी का नहीं, ऐसी यात्रा सद्भावना यात्रा के बारे में अगर हमारे भगत जी ने जो बोले हैं कि कांग्रेस जी को सम्मिलित होना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी कोई ये नहीं, हम सद्भावना एक दूसरे को भाईचारा में बांधने के लिए निकल रहे हैं। गाँव का एक छोटा सा तबका जहाँ कोई प्रचार प्रसार के साधन नहीं, उसको भी जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कटंगी प्रशांत मेसराम जी के इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, और जैसा कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष माननीय मुनपुर सांसद भगत जी द्वारा कल या परसों प्रेस विज्ञप्ति कर ये बताया गया कि जो कांग्रेस के सदस्य शामिल होंगे उनको ये निकाल पार्टी से बाहर निकाल देंगे, पार्टी की गलत गतिविधि में शामिल माना जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो भगत जी को जानकारी जो फूल छाप कांग्रेसी है इनके द्वारा गलत जानकारी दी गई, गलत जानकारी दी गई जो आजादी प्रशांत भाव मेहतराम जी की लोकप्रियता को बढ़ते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात का डर सताने लगा कि वो भी कांग्रेस के कटंगी क्षेत्र के दावेदार हैं। ऐसी स्थिति में अगर प्रशांत भाव की लोकप्रियता बढ़ती है तो कांग्रेस पार्टी उनको टिकट ना दे दे और हमारी टिकट ना काट दे, इसलिए वो जो फूल छाप कांग्रेसी हैं उनने भगत जी को आदरणीय प्रशांत मेहतराम जी मिलता हूँ। यह जो नाम है यह पेशे से इंजीनियर है और इन्होंने लगातार 8-10 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कटंगी विधानसभा क्षेत्र का एक एक सामाजिक दृष्टि, उनकी जो सोच है, उनके बीच में जाना, उनके बीच में उनकी समस्या को सुनकर उस बात को हल करना और समस्या का निराकरण कैसे करना, आज वो आज प्रशांत भाव मेसराम से सीखना चाहिए। जैसे हमारे को अभी सुनने मिला कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने जो बात कही है कि कांग्रेस के अगर से कोई लोग उसकी सद्भावना यात्रा से कुछ जुड़ता है तो उसे निष्कासन किया जाएगा, यह सोच ठीक नहीं है। यह सद्भावना यात्रा लोगों को जोड़ने का है, तोड़ने का कार्य नहीं है। यही बातों को लेकर यह पदयात्रा जो निकल रही है, शायद हो सके उनकी जो भी मानसिकता हो, हम तो चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर से पदयात्रा जो निकल रही है तो शायद वो भी साथ में आए और वहां की भ्रमण करें तो उनको और ज्यादा ज्यादा और जानकारी मिलेगी कि सही में कटंगी विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या है,
और आप जिले के और बहुत बड़ा सर्वमान्य नेता रहे हैं, तो हमें एक जगह बैठकर ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और बहुत बड़े हमारे करीबी रहे, आदरणीय रहे, सम्मानीय रहे, और ऐसी बातों को मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने कहा है कि सद्भावना यात्रा जो हमारे प्रशांत जी मेश्राम निकाल रहे हैं उसमें कांग्रेसी लोग शामिल ना हो, बाकी वो गलत है उनका ये कथन। और अगर वो निकालने की अगर बात कर रहे हैं तो इसके पूर्व में जो नगर पालिका चुनाव हुए थे उसमें मैं नगर पालिका अध्यक्ष का संयुक्त चुनाव लड़ा था, हमारे 8 कांग्रेस पार्षद थे, फिर भी हमारे को हमारे बहुमत होने के बावजूद हमारी नगर पालिका में मेजोरिटी होने के बावजूद भी वहाँ बैठ नहीं पाई पार्टी। उसमें हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उनके पास मैं शिकायत भी किया था, और फिर वो शिकायत को न कर पाने के बावजूद भी वो अगर ये बोल रहे कि सद्भावना यात्रा में कांग्रेस से जाएंगे तो हम निकालेंगे, तो आप कितने कांग्रेसियों को निकालेंगे? बस पहले वो जवाब दे जिलाध्यक्ष महोदय कि आपने इसके पूर्व में तो कार्रवाई की है नहीं, और अगर कोई सद्भावना यात्रा अगर क्षेत्र में अच्छे एक माहौल बनाने के लिए जोड़ने के लिए कर रहा है उसको आप गलत मैसेज दे रहे हैं उसके। चूंकि जैसे कि आप जिला नगर अध्यक्ष कहलाते हैं कांग्रेस के, तो क्या कांग्रेस के नगर अध्यक्ष एक पदाधिकारी होते हैं? तो ये बड़े नेता जब कभी कोई डिसीजन लेते हैं तो क्या आप लोग से कभी कोई नहीं, हमको कोई सूचना नहीं दी गई उसके बारे में, और इसके पूर्व में भी कोई कार्यक्रम होता है तो जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा हमको सूचना नहीं दी जाती। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो उनको बार बार ही से एक एक करके आप लोग निकालते हैं तो आप क्या करेंगे? निकालते हैं तो सर वो उनकी सोच का विषय है, कितने कांग्रेसियों को निकालेंगे, वो कांग्रेस को मजबूती देना चाहते हैं, कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, वो उनका विवेक है। क्या हम आपका विचार जानना चाहेंगे, पद यात्रा जो चल रही है सद्भावना पद यात्रा यहाँ से होने वाली है, क्या जिला के अध्यक्ष जिस तरह से वक्तव्य आया है तो क्या इस यात्रा पे उसका प्रभाव पड़ेगा? उनके वक्तव्य का प्रभाव तो हमारे कटनी विधानसभा में नहीं पड़ना है सद्भावना यात्रा में।